प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अरे रिलैक्स, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो अपने पैर के लिए किया ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। गुड जॉब युवराज, गुड जॉब। वैसे युवराज मानना पड़ेगा, एक पल में तुमने एक नाचने वाली को एक राजकुमारी बना दी। सुना है प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, बट तुमने तो दुनिया को पागल बना दिया। युवराज कहाँ चला गया? अब तो तुम्हें और तुम्हारी कजरी को कोई अलग नहीं कर पाएगा। भविष्य, ये वक्त और ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे शातिर दिमाग का शुक्रिया अदा करे बगैर रहा नहीं। भविष्य, मेरी तारीफ तुम किसी और दिन कर लेना, पर इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो न जाने कितना बुरा फंस जाता मैं यार। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स। भविष्य यहां से चले जाओ। रिलैक्स यार, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। वो एक्चुअली कजरी को मैं मुबारकबाद देना चाहता था कि एक राजकुमारी बनने जा रही है। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो युवराज। मम्मा एक मिनट, आइंदा तुम मेरे सामने आना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना, समझे तुम? Get lost! चलो। एक मिनट युवराज, ये भविष्य क्या कह रहा था? किसका नाम ले रहा था? और ये क्या वो कजरी कौन है? पता नहीं मम्मा, वो किसके बारे में बात कर रहा था? छोड़िए ना, भविष्य एक घटिया इंसान है, और वो किसकी बात करे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। चलो चलो।
आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लाल ओड़ी से हर वो सुराग मिटा देना चाहती हूँ जिससे भविष्य को खतरा है। मैं कोई ऐसा सुराग नहीं रखना चाहती जो कि भविष्य के लिए खतरा हो। तो तुमने सब कुछ ठीक से देख लिया? कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं, सब कुछ मेरे पास है। अब हमें किसी बात का डर नहीं। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए, चलो यहां से। चलिए। लक्ष्मी, सरस्वती को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। सूर्यकांत गरोड़िया, देख देख मैं तेरे सामने खड़ा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हाँ, अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा केस तक नहीं जीत सके। चला जाए यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? ए! यहां अपनी पत्नी से मिला, तुमसे नहीं। सरस्वती, सरस, क्या किया तुम्हारे खानदान ने तुम्हारे लिए? क्या किया? जिंदगी बद से बदतर बना। अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से मुक्ति देना चाहता था, आजाद करना चाहता था। लेकिन अब मैं तुम्हें चैन भी नसीब नहीं होने दूंगा। ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। फिर रहना तुम अपने इस परिवार के साथ। जिनकी बेवकूफियों की सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी होगी, जिंदगी भर, हमेशा हमेशा के लिए।
बहुत बोल चुका था। अब ये पिता तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। इसके गंदे खून से आप अपने हाथ क्यों रंगना चाहते हैं? इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। भविष्य, बेशर्मी की हद होती है। और तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद इस घर में खड़े होने की हिम्मत कैसे की तुमने? चले जाओ यहां से। और आइंदा इस घर में नजर मत आना, समझे तुम? यहां से भला मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? जब आपके अपने ही आपकी इस हालत के जिम्मेदार। तो फिर मुझे दोषी ठहराने का क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम? यही कि मेरे पापा को जवाब देगा तू? हाँ, पहले ही तुमने काफी परेशान किया मेरे परिवार को, पर मैं अब और नहीं चाहूंगा। याद रखना, इस घर का बेटा अभी जिंदा है। मैं अपने परिवार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने से पहले एक बार सोच लेना, दोबारा मैं तुम्हें जीने का मौका नहीं दूंगा। समझे तुम? गेट आउट।
बेटा कहाँ जा रहे हो? मामा, मैं नहीं चाहता कि इस भविष्य की परछाई भी दोबारा इस परिवार पर पड़े, इसलिए मुझे उसे अपने तरीके से समझाना होगा। भविष्य, सुनो मेरी बात। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखो, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम वहां सबके सामने सब कुछ मेरे बारे में बताने वाले थे, इसलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा। इट्स ओके। एक बात याद रखना कि मैं इतनी आसानी से किसी की गलती भूलता हूं, लेकिन तुमने मेरी एक बार मदद की है इसलिए तुम्हें माफ करता हूं। अगर दोबारा अगर तुमने कोई और गलती की तो शायद मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी कभी मदद की। भविष्य, तुम ये भी मत भूलना कि आइंदा अगर तुमने गलती से भी मेरे राज पर से पर्दा उठाया तुम्हारी असलियत भी मैं नहीं छुपाऊंगा।